ज्ञानव्यापी मामले पर 12 सितंबर को फैसला आएगा। वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी अदालत ये तय करेगी कि ज्ञानव्यापी विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं। ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े पक्ष ने दावा किया कि ये मस्जिद औरंगजेब की संपत्ति है। हिंदू समुदाय से जुड़े पक्ष ने उम्मीद जताई कि जिला कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। दृढ़ विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। यूपी में एक जिला एक उत्पादन योजना की कामयाबी के लिए योगी सरकार ने इसकी कमियों को दूर करने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार के बड़े अधिकारी निर्माताओं के साथ बैठक करें, और इसी सिलसिले में कन्नौज में पहुंचे अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इत्र निर्माताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने इत्र के विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की योगी सरकार की योजना को साझा भी किया। इत्र के विदेशी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार इत्र निर्माताओं को अपने खर्चे पर विदेश भेजेगी। हमने यहाँ युवाओं को भी बताया है कि अगर वो किसी विदेश में एग्जीबिशन में प्रदर्शनी में भाग लेना चाहते हैं तो सरकार उनके आने जाने का किराया और उनको उपलब्ध कराएगी, और वहाँ अगर फीस देनी पड़ती है पार्टिसिपेशन के लिए वो फीस भी देगी। इसके अलावा सैंपल भेजने हैं उसका भी पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इसके अलावा निर्यात में पर टन जो है फ्रेट के लिए भी सरकार का अनुदान दिया जाता है। हम सबको सभी उद्यमियों को बताएं, सब लोग मिलकर एक इको सिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए राज्य में गैंगवॉर छिड़ सकता है। करीब 3 महीने पहले 29 मई को पंजाब के मानसा में मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई थी, और जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था कि मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद बम्बीहा गैंग, नीरज बवाना गैंग, गैंगस्टर भूपी राणा और टिल्लू ताजपुरिया समेत कई दूसरे गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया था। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखकर पंजाब के डीजीपी को आगाह किया गया कि कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवान पुरिया पर हमला हो सकता है। मतलब ये कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे गैंग के लोग पुलिस कस्टडी में ही दोनों का कत्ल कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में गैंगवॉर छिड़ जाएगी जिससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की एक और खेप सड़कों पर उतारी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 97 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने वीजा धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक राज्य स्तर का कबड्डी खिलाड़ी, दूसरा पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी और तीसरा गायक है। आरोप है कि ये लोग विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। यूपी के लखनऊ में सलमान खान की तरह दिखने वाले आजम अंसारी नाम के आदमी ने रेलवे ट्रैक पर एक वीडियो शूट किया, जिसके बाद अब आरपीएफ ने केस दर्ज कर लिया। और अब रूस के मॉस्को से खबर। उत्तरी मॉस्को में दरअसल एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। गोदाम में आग लगने के बाद काफी दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। तो रूस के मॉस्को से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आग लगने के बाद देखिए भीषण आग लगी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार वहां पर साफ तौर पर नजर आया। गोदाम में यह हादसा हुआ, हालांकि किस वजह से ये आग लगी इस बारे में अब तक जानकारी नहीं। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई ने छापा मारा, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के परिवार का करीबी माना जाता है, और उनके घर पर सुबह सुबह पड़ी रेड ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया। जैसे ही सीबीआई की उनके घर पर रेड शुरू हुई, सुनील सिंह के समर्थक घर के गेट के बाहर इकट्ठा होने लगे। ये लोग पोस्टर लेकर वहां धरने पर बैठ गए। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं घर के बाहर अभी हंगामा कर रहे हैं। घर के बाहर समर्थकों ने शोर मचाया और घर की बालकनी से सुनील सिंह ने रेड के दौरान वो अपनी बालकनी में आए और वहीं से अपना गुस्सा दिखाया। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के परिवार का खास माना जाता है, और उनके घर पर उसी दिन छापा पड़ा जिस दिन विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना था। आरजेडी ने इसी बात का जिक्र किया, उसने रेड की टाइमिंग पर खुलकर सवाल उठाए, और अपनी बालकनी से तमतमाते हुए सुनील सिंह ने खुलकर ये बात बोली। सुनील सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले उनके समर्थकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। सरकार सीधा सीधी टारगेट लिए हुए है, जब से तेजस्वी जी की सरकार बनी है। रेड के बाद एमएलसी सुनील सिंह को हिरासत में ले लिया गया। यही नहीं, बवाल बढ़ने के बाद सीआरपीएफ के और जवानों को भी बुलाया गया।
सुनील सिंह जून 2020 में आरजेडी के एमएलसी चुने गए थे और वो बिहार में आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि वो लालू प्रसाद यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हैं, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राबड़ी देवी हर साल उन्हें रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। और इसी वजह से आरजेडी ने सुनील सिंह के घर पर छापे को सियासी बदला बताने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। भ्रष्टाचार के लिए ना तो कोई कुंडली है, न जन्म टिपन बनता है, तो उसके लिए कोई तिथि निर्धारित होने का सवाल ही नहीं उठता। संजय राउत के करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई पुलिस ने कोविड केयर सेंटर में घोटाले के आरोपों पर संजय राउत के करीबियों पर केस दर्ज कर लिया। मुंबई के एक बड़े होटल को उड़ाने की धमकी देने के दो आरोपियों को गुजरात के वलसाड से पकड़ लिया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में आपसी झगड़े में एक कैदी की मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर कटरा में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आधी रात को करीबन 12 बजे आए भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। पिछले तीन दिन में जम्मू प्रांत के जिला डोडा, जिला किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें 3 बार सिर्फ कटरा में हल्के झटके महसूस किए गए। तो वहीं पिछले तीन दिनों में डोडा और किश्तवाड़ में 6 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है, कटरा में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। और चलिए बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट एक आदेश सुनाएगा। दरअसल इसी साल जनवरी में पंजाब दौरे पर जब पीएम मोदी गए थे, उस वक्त करीबन 20 मिनट पीएम मोदी का काफिला रुका रहा था। सुरक्षा में चूक मामले में जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा में किस तरीके से चूक हुई थी, उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाएगा। जनवरी में पंजाब के दौरे पर पीएम मोदी गए थे और 20 मिनट पीएम का काफिला वहीं रुका रहा था। उसके बाद अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी पंजाब सरकार से तलब की थी। मध्य प्रदेश में आसमान से इतना पानी बरसा कि हाहाकार मच गया। राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ से मची तबाही थमने का नाम लेती दिखाई नहीं दे रही। वहां पिछले दो दिनों से 6,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इनमें आगर मालवा जिला भी शामिल है, जहाँ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सतर्कता बरतने को तैयार नहीं। इसी का नतीजा रहा कि एक ट्रक पलट गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि नदी के ऊपर बने पुल पर जबरदस्त पानी बह रहा है, जिससे रास्ता पार करना खतरनाक भी है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ट्रक ड्राइवर आगे बढ़ा, लेकिन पुल पर पानी का कब्जा होने की वजह से वो संतुलन नहीं बना पाया। यही वजह रही कि काफी कोशिश के बाद भी गेहूं से भरा वो ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद शख्स की जान बाल बाल बच गई,